हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका G7 की ऑफिशियल यूट्यूब चैनल टेली प्लस में, जिसमें हम आपको आपके बिजनेस ग्रोथ से रिलेटेड टैली के एडवांस फीचर्स के बारे में बताते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे टैली ऑन क्लाउड सर्विसेज यूज होती हैं और कैसे आप अपने टैली को थ्रू क्लाउड किसी भी लोकेशन से कहीं पे भी आप एक्सेस कर सकते हैं। तो क्लाउड सर्विसेज जो यूज होती हैं, बेसिकली दो तरीके से आप इसे यूज कर सकते हो। सबसे पहले थ्रू आइकन और दूसरा थ्रू आईपी एड्रेस। तो अब हम बात करते हैं कि टैली ऑन क्लाउड सर्विसेज यानी आप अपने टैली को क्लाउड पे कैसे एक्सेस कर सकते हैं। तो सबसे पहले जब आप क्लाउड सर्विसेज लेते हैं तो हम आपके सिस्टम में ये तीन सेटअप इंस्टॉल करते हैं, जिसमें सबसे पहला आपका सेटअप होता है, दूसरा आपका TS प्रिंटर जिससे बेसिकली आपका प्रिंट वगैरह टैली से निकलता है, और तीसरा आपका क्लाइंट आइकन। तो ये सबसे मेन आइकन होता है जिसके थ्रू आप अपने क्लाउड पर टैली को एक्सेस कर सकते हैं। तो अभी आप जैसे देखते हैं, नॉर्मली आप जब टैली को एक्सेस करते हैं तो सिंपल आपका डेस्कटॉप पे जो है टैली का आइकन आपको मिलता है, आप उस पर क्लिक करते हैं तो टैली आपका ओपन होता है। बट जब भी आप टैली को अपना क्लाउड पे शिफ्ट करते हैं तो टैली को ओपन करने का मेथड थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो इसके लिए जब भी आप अपना टैली अगर ओपन करना चाहते हैं तो आइकन के थ्रू ओपन करने के लिए जो क्लाइंट वाला आपका आइकन होता है इस पे आपको क्लिक करना होता है। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपसे मांगता है क्लाउड का यूजर आईडी एंड पासवर्ड। तो जब भी आप टैली ऑन क्लाउड सर्विसेज लेते हैं G7 से, तो हम आपके हर एक यूजर के लिए सेपरेट यूजर आईडी एंड पासवर्ड क्रिएट करके आपको देते हैं। तो जो भी आपका यूजर का यूजर नेम एंड पासवर्ड है वो आप यहाँ पे डालेंगे और यहाँ पे कनेक्ट पे क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही आप कनेक्ट पे क्लिक करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास ये पैनल आ जाता है जिसमें बेसिकली आपका टैली का आइकन, आपका अगर डाटा का फोल्डर राइट अगर आपके पास है तो डाटा का फोल्डर, और बाकी अदर एप्लीकेशन जैसे गूगल क्रोम नोटपैड एक्सेट्रा जो भी आइकन है आपके यहाँ पे शो करते हैं। तो सिंपल टैली को क्लाउड पे ओपन करने के लिए जैसे ही आप अपना यूजर नेम और पासवर्ड डालते हैं, कनेक्ट पे क्लिक करते हैं, आपके पास ये पैनल ओपन होता है। यहाँ पे आपने सिंपल टैली के आइकन पे क्लिक करना है, और जैसे ही आप इसके आइकन पे क्लिक करते हैं ये आपका टैली डायरेक्टली ओपन हो जाता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे जैसे आपके नॉर्मल टैली में वर्किंग होती है एज इट इज़ आपकी यहाँ पे भी वर्किंग होती है, और अगर मैं कोई भी चीज़ यहाँ से एक्सपोर्ट करता हूँ प्रिंट करता हूँ तो एज इट इज़ जैसे अपना नॉर्मल में होता है आपका एक्सपोर्ट या प्रिंट ऐसे ही आपका होगा। यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट ये होता है कि जब भी आप कोई चीज़ टैली से एक्सपोर्ट करोगे तो जो आपका एक्सपोर्ट होता है वो आपके सी ड्राइव के अंदर एक ऑटोमेटिक फोल्डर बन जाता है एक्सपोर्ट का। तो जब भी टैली से आप कोई भी चीज़ आप चाहे बिल एक्सपोर्ट करो कोई रिपोर्ट एक्सपोर्ट करो तो आप देखेंगे आपके सी ड्राइव के अंदर जो एक्सपोर्ट का फोल्डर है उसके अंदर ऑटोमेटिक आपका एक्सपोर्ट जो भी से टैली से है वो आपका चला जाएगा। के बाद हम बात करते हैं आप मेन चीज़ डाटा की। तो क्योंकि आपका टैली जो है वो क्लाउड पे है तो इन केस अगर आप डाटा का बैकअप लेना चाहते हैं या आप चाहते हैं कि कोई भी नया डाटा है जो आप खुद से क्लाउड पे शिफ्ट कर पाओ तो उसके लिए क्या प्रोसेस है। तो सबसे मेन चीज़ हम यहाँ पे आपको डाटा का फोल्डर का राइट भी असाइन करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके किसी पर्टिकुलर यूज़र के पास या अगर आपका सिंगल यूज़र है तो एक ही यूज़र के पास आपके डाटा का फोल्डर का राइट हो या ना हो तो वो चीज़ हम प्रोवाइड करवाते हैं। मीन्स अगर आप कहते हैं कि आपके डाटा का फोल्डर का राइट हो तो सिंपल आपका डाटा का फोल्डर यहाँ पे आता है जो पैनल आपको क्लाउड का दिखाई देता है, तो इसमें डाटा का फोल्डर आपका होता है। तो जो भी आप टैली के अंदर डाटा प्रिपेयर करते हो वो आपका इसी फोल्डर के अंदर सेव होता है। तो अगर आपको सपोज टैली का बैकअप चाहिए डाटा का तो सिंपल आप अपने डाटा को यहाँ से कॉपी कीजिए, अपने डेस्कटॉप पे आप पेस्ट कीजिए। इन केस अगर आपका कोई नया डाटा है कोई अदर डाटा है जो आपको क्लाउड के अंदर टैली ऑन क्लाउड के अंदर आपको डालना है तो सिंपल आप अपने डेस्कटॉप से या जिस भी लोकेशन पे वो डाटा है वहाँ पे से आप उसे कॉपी कीजिए और क्लाउड के इस डाटा के फोल्डर के अंदर नॉर्मली सिंपल कॉपी पेस्ट आप कर दीजिए। तो आप यहाँ पे देखेंगे डाटा जो है टैली ऑन क्लाउड पे इजिली आप मेंटेन कर सकते हैं। मीन्स इजिली आप अपना डाटा ले भी सकते हैं अपने नॉर्मल सिस्टम पे और इजिली आप अपने नॉर्मल सिस्टम से क्लाउड पे भी अपना डाटा आप अपलोड कर सकते हैं खुद से। तो ये जो डाटा का फोल्डर का राइट है हम आपके अकॉर्डिंग स्पेसिफिक पर्सन या स्पेसिफिक कंडीशन में ही प्रोवाइड करवाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि डाटा का फोल्डर राइट किसी के पास ना हो तो वो चीज़ें भी हम इसमें प्रोवाइड करवाते हैं। उसमें फिर आपका जैसे यहाँ पे पैनल पे आप देखेंगे डाटा का फोल्डर आ रहा है तो उस केस में डाटा का फोल्डर आएगा ही नहीं। तो ये प्रोसेस है टैली को क्लाउड पे यूज़ करने का, टैली को क्लाउड पे एक्सेस करने का सिंपल वे में अगर आपके सिस्टम में आइकन है जिसके थ्रू आप अपना डाटा वगैरह भी आप बैकअप ले सकते हैं और टैली को आइकन के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। अब बात करते हैं उस केस में इन केस अगर आप कहीं दूसरे सिस्टम पे हैं किसी दूसरी लोकेशन पे हैं और आपके सिस्टम में आइकन नहीं है क्लाउड के तो उस समय आपको कैसे एक्सेस करना है। तो उसके लिए सिंपल जब भी आप क्लाउड सर्विसेज लेते हैं G7 से तो हम आपको टैली के यूज़र क्रेडेंशियल के साथ एक IP एड्रेस भी प्रोवाइड करवाते हैं। तो IP एड्रेस के थ्रू क्लाउड को एक्सेस करने का सिंपल प्रोसेस है, आप उस IP एड्रेस को कॉपी कीजिए जो इस तरीके की होती है। इसको कॉपी करके आप अपने किसी भी ब्राउजर आप सिंपल वहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। जैसे आप पेस्ट करके इसको एंटर करेंगे तो आप देखेंगे एज इट इज़ क्लाउड का पैनल आपके सामने यहाँ पे भी ओपन होगा जिसमें आपसे अगेन आपका यूजर नेम क्लाउड का और पासवर्ड मांगेगा। तो सिंपल आप अपना यूजर नेम और पासवर्ड डालिए और लॉग ऑन पे क्लिक कर दीजिए।
तो यहाँ पे भी आप देखेंगे एज इट इज़ आपका क्लाउड का एक पैनल आपको यहाँ पे ओपन हो जाएगा, जिसमें आप सिंपल अपने टैली के आइकन पे क्लिक कीजिए और आप यहाँ पे अपना टैली एक्सेस कर सकते हैं, अपने डाटा पे वर्किंग कर सकते हैं। तो सारी वर्किंग आप जो है टैली की यहाँ पे भी कर सकते हैं थ्रू आईपी एड्रेस। तो ये उस केस में बहुत इंपॉर्टेंट है, इन केस अगर आप कहीं बाहर हैं जहाँ पे आपके पास टैली ऑन क्लाउड का आइकन नहीं है आपके सिस्टम में और आपको टैली एक्सेस करना है, तो सिंपल इस आईपी एड्रेस को आप पेस्ट करिए अपने ब्राउजर में और यहाँ पे से डायरेक्टली टैली को आप एक्सेस कर सकते हैं। तो ये सिंपल मेथड है टैली को क्लाउड पे एक्सेस करने का, जिसके थ्रू आप अपना किसी भी लोकेशन, किसी भी टाइम और किसी भी डिवाइस पे अपने टैली को ओपन कर सकते हैं, अपने टैली के डाटा को ओपन कर सकते हैं और अपनी वर्किंग कर सकते हैं अपने टैली के अंदर। सब्सक्राइब एंड प्रेस बेल आइकन इफ यू लाइक आवर वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर।